नमस्कार। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कितने तारीख, यही आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली जो एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम होने जा रहा है, ये आप कहेंगे कि एग्जाम नहीं, ये आप कहेंगे कि दामिनी जो मूवी है उसका एक डायलॉग बन चुका है। उसमें है ना, सनी देओल बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट में ऐसा वो चीज आता है। तो ये जो एग्जाम है वो इसी तरीके का हो गया है। पता चलता है कि इस दिन एग्जाम का रिजल्ट आने वाली है। सीबीटी वन का जो रिव्यू वाला रिजल्ट थी वो इस दिन आने वाली है। तो कुछ दिन बाद पता चलता है डेट एक्सटेंड हो गई। उसके कुछ दिन बाद फिर पता चलता है कि फिर से डेट एक्सटेंड हो गई। यानी कि तारीख पे तारीख रिव्यू वाला रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। रिव्यू के जो रिजल्ट है उसमें भी तारीख पे तारीख चल रहे हैं। और अब सीबीटी टू का एग्जाम की बात करें तो पहले था कि 24 दिसंबर को होगा, फिर से एक महीना एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि अब तो 21-22-23 शायद है, या 22-23-24 ऐसे ही कुछ है, वो जनवरी में कर दिया गया। यानी कि फिर से एक महीने का एक्सटेंशन हो गया। अब फिर से नोटिस आएगी कि फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। मुझे लग रहा है ये एग्जाम नहीं एक कॉमेडी बन चुकी है। लेकिन क्या करें, हम लोग बेबस हैं, जो रेलवे बोर्ड करेगा उसी को फॉलो करनी है। तो हम सबको भी पागल बनाए हैं, खुद तो पागल हैं ये, क्योंकि वो पहले तो 5 साल के बाद एग्जाम लेना है, उसके बाद बच्चे को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है। बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो पता चला एक महीने के बाद रिजल्ट आएगी। तो कुछ बच्चे का रिजल्ट में इतना गलत तरीके से शो किया, तो बहुत सारा एकदम से बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि क्या बताएं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते करते कहीं ना कहीं तो जरूर सेटल होंगे। तो हमें संघर्ष से नहीं डरनी है, हमें अपने तरीके से मेहनत करते रहनी है। तो आज देखिए मैं बात करने वाला हूँ, जो नोटिस आई है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें सिलेबस का भी रिव्यू किया गया है। पता नहीं क्या क्या रिव्यू करते रहता है रेलवे, लगता है 10-15 दिन के बाद। तो रिव्यू किया गया है और सिलेबस को एकदम से ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया है। ड्रास्टिकली बोले तो एकदम से क्या है कि 60 और 40 का ये कम्बिनेशन है। यानी कि आपको 40% पे कमांड ज़्यादा होनी चाहिए। 40% यानी कि 40 नंबर का कर दिया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। हम बात करेंगे इसी पे आज। मैं बात 60 नंबर पे नहीं करूंगा, जो मैथ्स है, रीजनिंग है और जो करेंट अफेयर है उसकी मैं बात नहीं करूंगा। आज वाले हम 40 नंबर के बारे में ही बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसमें तो रीजनिंग भी है, इसमें मैथ्स भी है। अरे भाई ठीक है, इतना तो आपको भी पता है, मुझे क्या बताने की जरूरत है। मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मुझे पता है कि आपको सब चीज़ पता है कि इसमें साइंस भी है, रीजनिंग भी है, इसमें ये भी है, वो भी है, सब पता है। लेकिन अंदर की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो तो सुनिए। तो मैं यहाँ पे आज मैं आपको 40 नंबर के बारे में बताऊंगा कि 40 नंबर पे अगर कमांड हो गया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मैथ्स आएंगे 25 आएंगे और जो रीजनिंग आएंगे 25 आएंगे, तो कितना हो गया, 50 नंबर का हो गया। और 10 नंबर का क्या आएगा, करेंट अफेयर आएगा। तो करेंट अफेयर तो तुक्का है कि आप 10 कि आप 4 दिन पढ़ेंगे करेंट अफेयर, उससे लड़ा तो लड़ा, नहीं तो आप महीने भर पढ़ते रहेंगे तो नहीं लड़ेगा। करेंट अफेयर के लिए आपको 4 से 5 दिन देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। और उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लिया है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम से जनवरी से उठाया करेंट पढ़ना चालू कर दिया, वो भी आपको नहीं पढ़नी है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में कचरा भरेगा, और कचरा भरेगा तो जो चीज़ें पढ़नी होंगी वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो करेंट के लिए मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगा कि सिलेक्टिव चीज़ पढ़ें, जैसे राज्यपाल पढ़ें, मुख्यमंत्री पढ़ें, जो नियुक्तियाँ हुई है हाल फिलहाल में उसकी पढ़ें, जहाँ मोदी जी गए हैं उसके बारे में पढ़ें कि कौन से देश में गए हैं, उसके जो करेंसी है, उसके जो कैपिटल है, इसके बारे में पढ़ें। तो यानी कि सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ें, किसको क्या पुरस्कार मिला ये चीज़ें पढ़ें। अब ऐसा नहीं है कि आप याद करना चालू कर दिए कि ADB ने भारत को कितना लोन दिया है, कौन से देश को कितना लोन दिया है, कौन से प्रदेश को कितना लोन दिया है, उत्तर प्रदेश को कितना लोन दिया है, विश्व बैंक ने यहाँ पे कितना लोन दिया, ये सभी जो करेक्ट है वो कभी पूछे भी नहीं जाते हैं, और पूछे जाएंगे तो आपसे बनेगा भी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। तो करेंट के लिए तो ये चीज़ें हैं। अब आई 25 नंबर मैथ्स, तो 25 नंबर मैथ्स तो आप कर लेंगे, वो छोटी मोटी चीज़ें आएगी मैथ्स में। और 25 नंबर रीजनिंग आएगी, जो कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो जो रीजनिंग पे है वो पढ़े हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। रीजनिंग भी आएगी, वो सॉलिड तरीके की रीजनिंग आएगी, यानी कि बैंकिंग लेवल की रीजनिंग आएगी, जो कि आपको थोड़ा एकदम से कहेगा कि हलवा तो नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने के लिए बोलेगा। तो रीजनिंग और मैथ्स मैंने पढ़ा रखी है। तो अब बात करते हैं बेसिक साइंस पे, जो कि आपके लिए एक कह सकते हैं सॉलिड फैक्टर है सिलेक्शन के लिए। देखिए ये है 40% है, और 40% को अगर आपने नेगलेक्ट किया तो आपको मैं गारंटी देता हूँ तो आपका सिलेक्शन में कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा फोकस ये करनी है,
ठीक है, ज्यादातर फोकस इस पे कर लिया। और ये चीजें वास्ट नहीं है, आप इसको एकदम से इजी तरीके से लीजिए, ये जीके से भी आसान है, जो अकबर बाबर ये सब पढ़ते थे ना उससे काफी आसान है। जितना देर में आप अकबर बाबर को समझेगा उतना देर में इसमें काफी चीजें आप ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 40 नंबर पे आएगा वो क्या आएगा, ड्राइव आएगा, यूनिट मेजरमेंट आएगा, बल्क पावर एनर्जी आएगा, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होती है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, यानी कि 12th लेवल में जो पढ़ी होगी वही चीज आएगी, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये काफी एकदम से कम्प्लेक्स बना दिया, कुछ भी चीजें नहीं कम्प्लेक्स है। आप समझ के देखिए, जब आप 12th में पढ़ते थे तो आपको ये चीजें कितनी आसान लगती थी, तो वही तो पूछा जाएगा। और उसमें से भी एकदम से हलवा वाला, जो ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दिया जाएगा, चार पांच न्यूमेरिकल भी रहेंगे, लेकिन वो ऐसा न्यूमेरिकल नहीं कि आपको कि ATJEE में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस लेवल का न्यूमेरिकल मिलेंगे। आपको सिर्फ सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा कि यहां से वहां बंदा चला गया तो कितना वो वर्क किया, इस तरह का न्यूमेरिकल पूछेगा। और हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में छोटे मोटे जो एग्जाम्पल होते हैं वो चीज पूछेगी। लीवर सेट सिंपल मशीन, ये भी छोटा टॉपिक है। और कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं ITR, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यही डिस्क वगैरह, यही सब छोटी मोटी चीजें पूछेगा, जो कि आपने GK में भी पढ़ा होगा, लूसेंट में भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसी से उठा के दे देगा। EVS यानी कि इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछेगा, सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में पूछेगा। तो ये चीजें काफी सिंपल है, आप इसको एकदम से 2 मिनट सोच के देखिए कि क्या ये चीजें हम समझ नहीं सकते, क्या क्या हमने ये चीजें पढ़ी नहीं है क्या। अकबर बाबर में क्या होता है कि हम रटते रटते भूल जाते हैं, 2 दिन छोड़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन ये चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो लॉजिकली ये चीजें पढ़ना होता है, और जिस भी चीज को आप लॉजिकली पढ़ेंगे वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीजें मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, और 40 में तो 38 मिनिमम किसी का भी आएगा, मिनिमम 38 आएगा, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं, तो 38 तो मिनिमम आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसमें कोई भी चीजें याद करने वाली चीजें नहीं होती है, इसमें कोई भी चीजें कंफ्यूजन वाली नहीं होती है, आप खुद इसको डिराइव कर सकते हैं, आप इसको खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे आपको दे देगा ऑप्शन कि हम ग्रेविटी के कारण वॉक कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन के कारण वॉक कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि हम फ्रिक्शन के कारण वॉक कर रहे हैं। आपने पूछा कि ऐसा क्यों, तो मैं कहूंगा कि देखिए फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन के कारण मेरा पैर जमीन को इधर पुश करेगी, तो जमीन हमें इधर पुश करेगी, इस वजह से हम इधर चले जाते हैं। तो इसका एक लॉजिक होता है, साइंस में हर चीज का लॉजिक होता है, जो कि समझना पड़ता है, जो कि आसान हो जाता है अगर आप पढ़ते हैं। तो आपको फोकस 40 नंबर पे करनी है। ये जो ATJEE का सिलेबस आया है उसको देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपके लिए चीजें आसान कर दी गई है, आपको ये बता दिया गया है। पहले तो ये भी नहीं बताया गया था कि हम जनरल साइंस से कितना पूछेंगे, बस दे दिया गया था कि हम जनरल साइंस पूछेंगे, हम रीजनिंग पूछेंगे, हम मैथ्स पूछेंगे, इस तरह से चार चीजें पूछेगा वो। लेकिन इसमें तो अब क्लियर कर दिया कि हमको 40 नंबर इसी से पूछना है। तो जब इतना क्लियर कर दिया, तो आपको पता है कि जब इतना वेटेज है, 40 नंबर का वेटेज है बेसिक साइंस पे, और साइंस की चीजें ही वहां करनी होती है, आप ड्राइवर बनेंगे, आप टेक्नीशियन बनेंगे, तो वहां साइंस की चीजें ही यूज होगी। तो जब साइंस की चीजें यूज होगी तो साइंस पे ही ज्यादा फोकस रहेगी। अकबर बाबर ये सभी चीजें तो वहां पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें पूछी भी नहीं जानी चाहिए। जब इसका हम यूज नहीं करते तो हम क्यों इस तरह के क्वेश्चन को बनाए। तो देखिए, आपको ये चीजें सभी हम पढ़ाएंगे, और ये चीजें आपको फुली पढ़ाया जा चुका है। आप मेरे प्ले लिस्ट में ड्राइव को देखें, ड्राइव में मैंने 7 या 8 लेक्चर दिए हैं, अगर आप उन 7 या 8 लेक्चर को बढ़िया से देख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि ड्राइव के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ये 7 और 8 लेक्चर जो ड्राइव के मैंने पढ़ाए उसको आप एक बार देखिए, उसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अभी मत कीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं बेतुका तरीके से एकदम से उपदेश दिए जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उनके द्वारा पढ़िए। ऐसा नहीं, मेरा ये नहीं है कि मैं अपना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पे शो ऑफ कर रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो कोई नहीं पढ़ाएगा, किसी से भी पढ़िए, मेरा मेन मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो। तो ड्राइंग मैंने पढ़ाया है, तो ड्राइंग आप जाके देखिए, अगर आपको ड्राइंग समझ में आई है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं ये जो लेक्चर दूंगा उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। मैं ड्राइंग को इतना सिंपल वे में समझाया हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगी। जितने भी आप नीचे कमेंट देखेंगे सभी कमेंट पॉजिटिव ही है, तो यानी कि मैं समझता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है ड्राइंग वो लोगों पे भेजे में गया है, और मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो वो भी जाएगा।
तो हालांकि मैं थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, मेरा बीपीएससी का एग्जाम है इसलिए मैं 2 दिन अभी व्यस्त हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद, अभी तो 2 महीना बाकी है, तो यानी कि 2 दिन के बाद मैं ये सभी इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा कि आपको कोई कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही ये सिलेबस आया, उसी वाले ने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कि हम 2,000 में पढ़ाएंगे, हम 4,000 में पढ़ाएंगे। भाई जब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, जब हमको घर बैठे ये चीजें मिल रही है, तो हम 2,000-4,000 क्यों खर्चा करें? ठीक है, आपके पास पैसा, आप 2,000-4,000 खर्चा कीजिए, वो मटेरियल देगा, आप जाके पढ़िए। लेकिन ये जो फ्री में मिल रही है, उसको खाना खाते वक्त भी देख सकते हैं, रिविजन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा, आप इस चैनल से जुड़िए और जो मैं बेसिक साइंस यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसको देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने के अंदर अगर आपको लग रहा होगा कि हमारा ये 40 में से 25-20 आएगा, तो 1 महीने के अंदर आपको 38 आएगा। 38 नहीं तो 35 प्लस तो गारंटी है कि आपको 35 प्लस आएगा। इतना लॉजिकली और सिंपल वे में से समझाऊंगा, क्योंकि ये चीजें क्या है कि मैंने तकरीबन 8-9 साल पढ़े हैं। बीटेक पूरा मैंने किया, पूरा बीटेक में आपको पता है, जो बच्चे बीटेक किए होंगे, जो बच्चे इंजीनियरिंग किए होंगे, उनको पता है कि 50 या 55 पेपर होते हैं, और 55 पेपर में केमिस्ट्री के 1-2 पेपर होते हैं, मैथ्स के 2-3 पेपर होते हैं, तकरीबन 50 पेपर क्या होते हैं उसमें फिजिक्स होते हैं, जो आप कहते हैं ना 10th में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, तो वैसे वैसे 6 सब्जेक्ट नहीं 50 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, सिर्फ सिर्फ फिजिक्स के पढ़ने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि फिजिक्स के कितने होते हैं, और सभी ये चीजें क्या है, फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स के जब मैंने 50 पेपर पढ़े हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग के तैयारी करते वक्त SC वर्मा फलाना फलाना कितने बड़े बड़े बुक हैं सभी मैंने पढ़े, उसके बाद 12th में पढ़े, तो यानी कि फिजिक्स इतने पढ़े हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रही है। और ये क्वेश्चन भी किस तरह का पूछेगा, ABCD टाइप का, यानी कि जो हमने पढ़े हैं IIT प्रिपरेशन के समय पढ़े, इंजीनियरिंग के समय पढ़े, उसका तो ये ABCD होगा। तो यानी कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आपको 35 प्लस श्योर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो।